हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए स्मूथ सर्कुलर कोन ऑफ एंगल 2 alpha हैज़ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड इट्स वर्टेक्स। मतलब यह है कि हमारे पास एक सर्कुलर कोन है, ओके, जिसकी एक्सिस हमारे पास वर्टिकल है और वर्टेक्स एंगल जो है ना 2 alpha है। यहाँ तक का ग्राफ देखते हैं क्या है। मान लिया जाए ये आपका कोई कोन है, सपोज दैट दिस इज योर कोन, आपका ये वर्टिकल, उसकी एक्सिस जो है ना मेरी वर्टिकल हो चुकी है। आगे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, विद एंगल 2 alpha। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा। इधर वाला भी एंगल इधर वाला भी एंगल मेरा अल्फ़ा ही होगा। ये मेरा हुआ वर्टेक्स ओ। आगे देखता हूँ, विच इज पीरकेड विद ए स्मॉल होल, जिसके अंदर एक छोटा सा होल है। ये मेरा होल हुआ सपोज दैट पॉइंट पी के ऊपर, ओके, डाउनवर्ड। ए मास कैपिटल है एम हैंग्स एट रेस्ट बाय द स्ट्रिंग, एक धागे के द्वारा एक मास कैपिटल एम का जो है कोई द्रव्यमान लटका हुआ है, विच इज़ पास थ्रू द वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स से पास होता है। यानी यहाँ से एक धागे के द्वारा यहाँ से एक मास ऐसे लटका हुआ है, कैपिटल एम, कैपिटल एम जी होगा इसका टोटल वेट। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से धागे के द्वारा एक मास लटका हुआ है तो धागे के अंदर कोई तनाव होगा ऊपर की तरफ, सपोज दैट टी वन है। आगे देखते हैं, ए मास ऑफ स्मॉल एम अटैच टू द अपर एंड डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे बनता है, ध्यान से सुनना, एक मास जो है ना यहाँ लटका हुआ है ऐसे, स्मॉल एम द्रव्यमान का मास यहाँ लटका हुआ है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे बन रहा है। अलग से बना करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर ये मास एम लटका हुआ है, ये अगर मेरा पॉइंट पी है और ये मेरा इसका वेट एम जी है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है ना वो इस तरीके से जो है ना यहाँ से ऐसे डिजाइन हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये इसकी रेडियस बन जाएगी ऐसे ऐसे। अगर ये वाला पॉइंट ओ है, देखो आप पूरा ग्राफ, ये आपका कैपिटल एम जी है, ओके, और ये वाला पॉइंट पी है। ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सर्कल की बात कर रहा हूँ, ओके। ये मेरी स्ट्रिंग ऐसे आ रही है। आगे देखता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द इनर सरफेस, आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कोन, इस कोन की इनर सरफेस के ऊपर, क्लियर है ना। फाइंड आउट द कम्प्लीट रिवॉल्यूशन, यानी इसका एक कम्प्लीट रिवॉल्यूशन निकालना है। शो दैट, आपको आगे क्या कह रहा है, द स्मॉल ऑसिलेशन, सो दैट द स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द स्टडी मोशन। स्टडी मोशन का मतलब निकलता है कि जब आपके पास डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, या डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू जब आपके पास जीरो है, ओके, यानी एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, उस पोजिशन में जो मोशन आता है वो स्टडी मोशन आता है। स्टडी मोशन में आपको निकालना है कि इसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, जिसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π/ω, जो आपने सिंपल हारमोनिक मोशन के अंदर पढ़ा है, आपको दिखाना है कि टी की वैल्यू जो है ना वो ये है। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब इस ग्राफ की हेल्प से मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ सिचुएशन क्या है और कैसे है। चलो, ये तो हुआ आपका ग्राफ, समझने की कोशिश करना। इस ग्राफ के अंदर ज़रा से करेक्शंस हैं वो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्ट्रिंग क्या है मेरा और स्ट्रिंग की लेंथ वेंथ वगैरह मैंने क्या मानी है। ये मेरा स्ट्रिंग है बेटा, यहाँ से ये मेरा जो है स्ट्रिंग है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन निकल जाएगा। ये वाला मेरा स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज माई स्ट्रिंग। इसके अंदर तनाव टी है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एक तनाव होगा और ये जो तनाव होगा ये भी टी वन ही होगा और ये नीचे की तरफ काम करेगा टी वन। जब ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, ओके। ये यहाँ से मास एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, ओके। मैंने ग्राफ इसका यहाँ से रिएक्शन फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, दिस इज यूअर आर, और मैंने ग्राफ कंप्लीट किया, ये हुआ मेरा एंगल फाई, दिस इज फाई। इस पॉइंट को मान लिया मैंने एन, क्लियर है ना, ग्राफ इज कंप्लीट।
नो प्रॉब्लम। यहाँ पॉइंट मान लो आप ए पॉइंट मान लो, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस निकलने वाला है, उसी की बात कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, पी, मैंने दोबारा से लिख दिया है, क्लियर। आगे चलता हूँ, ग्राफ कंप्लीट, ग्राफ को इधर करो और लिखना शुरू करता हूँ और देखता हूँ क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे है। यहाँ तो ग्राफ दिख रहा है ना आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट, क्या कह रहा हूँ भाई, सपोज दैट द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, क्लियर है ना। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पी इज द पी क्या है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल पी, मेरे पास पार्टिकल की पोजिशन है, ऑफ मास एम अटैच कहाँ है भाई, अटैच्ड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एक सिरे के ऊपर मास लटका हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मास यहाँ लटका हुआ है, एक वर्टेक्स के ऊपर लटका हुआ है यहाँ से नीचे की तरफ, ओके, ऑफ मास एम अटैच द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, एंड डिस्क्राइब क्या करता है भाई, ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, ऑन द इनर सरफेस ऑफ, मैं आगे ये भी कह रहा हूँ, ऑन द इनर सरफेस, ऑन द इनर सरफेस कहाँ बनाता है, इनर सरफेस ऑफ कौन, कौन सा ग्राफ है बेटा, यहाँ ये होच पोच हो जाता, मैंने ये अलग से निकाल दिया है ग्राफ, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल जो बना रहा है ना, वो यहाँ इसके अंदर बनाएगा ऐसे, ओके, ये मैंने अलग से आपको जो समझाया है। आगे की तरफ चलते हैं, सो दैट, अगर ये सिचुएशन है, सो दैट ओ पी मैंने कितना मान लिया बेटा, रेडियस जो मानी जाएगी वो तो आर ही होगी, ओ पी इज इक्वल टू कितनी, आर। यहाँ से जो इनर, ये जो क्या कहें, जो इसकी सरफेस के अंदर जो सर्कल बना रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ, ओ पी मैंने कितनी मान ली, आर, क्लियर। एंड मैंने सपोज किया थीटा इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, अल्फा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू डी अल्फा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स का एंगल हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। आगे एक तरफ चलते हैं, लेंथ की बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की, नाउ ओ ए इज इक्वल टू, इसकी बात करता हूं बेटा, ओ ए की बात कर रहा हूं, नाउ यहां से देखना आप, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास कितना होगा बेटा, ये होगा एल माइनस के आर, समझने की कोशिश करना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल दे रखी है आपको, ये टोटल की टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने इसके अंदर भी ब्लैक किया है, ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, एल, ओके। ओ ए इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ओ ए इज इक्वल टू होगा मेरे पास टोटल के अंदर से, मैं ऊपर वाली दूरी आर घटा दूंगा, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ आर ए मान रखा है, आपको भी दिख रहा है ए मैंने ये माना है, तो ओ ए की वैल्यू एल माइनस के आर, ओके। और टी वन इज द टेंशन, आपको पता है टी वन इज टेंशन, वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया है लेकिन फिर भी लिख दूंगा, ओके। नाउ आई एम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अब मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, सो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, नाउ
इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन शॉर्ट लिख रहा हूँ बेटा, ऑफ पार्टिकल तो होता ही होता है, क्या होगा भाई फार्मूला होगा m इंटू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेटा माइनस के तो होगा t और अब की बात t1 जो मैंने t1 लिया है और माइनस के कितना होगा एम जी कोस अल्फा। लेक्चर नंबर वन के अंदर जब थ्योरी चल रही थी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कंस्टेंट मोशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको दोबारा बताई जाएँ। ओके, दूसरी इक्वेशन जो होगी आपके पास वो होगी एम इंटू माइनस के आर साइन अल्फा कोस अल्फा और ये होगा डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस के आर, माइनस कितना होगा आर। दिस इज इक्वेशन सेकंड, क्लियर है ना। अगले वाली इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इक्वेशन थर्ड भी देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड जो होगी हमारे पास बेटा, इन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको मैं अलग से रख लूँ वरना मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इक्वेशन थर्ड होगी हमारे पास m इंटू वन अपॉन r साइन अल्फा d ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, ये जो मोशन हो अब ये जो सर्कल है इसकी इसकी मोशन की बात करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, सपोज दैट इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फिक्स फार्मूले हैं तीनों, इनके अंदर कोई चेंज नहीं है। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास शॉर्ट में लिख दिया मैंने m, ये जो वाला इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी हमारे पास बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ मोशन m इंटू कैपिटल m इंटू डी टू ओवर डी टी स्क्वायर, दूरी कितनी है भाई आपको भी पता है l माइनस आर है, देखो यहाँ साफ साफ है, मैंने मेंशन भी कर दिया इधर l माइनस के r दूरी है। ओके, इज इक्वल टू होगा कैपिटल m g माइनस के t1, आप जानते हो इस चीज को, ये फार्मूला भी आप जानते हो, इक्वेशन नंबर फोर फिक्स फार्मूला है आप जानते हो, अगर डायनामिक्स आपने सारे लेक्चर सारी किताब अगर आपने कवर की है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भाई, एल तो कांस्टेंट है ना, एल इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, जब एल कांस्टेंट है और मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से कितना निकल कर आएगा माइनस की कैपिटल एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस के टी वन, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन पाँच। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, अब इक्वेशन नंबर थर्ड से चलो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन मेरे पास है वन अपॉन एम सॉरी एम अपॉन आर साइन अल्फा
डी ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यही है ना। अब ध्यान से सुनो बेटा, अल्फा तो वर्टेक्स एंगल है, अल्फा तो कांस्टेंट होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको ज़ीरो बना लो। यहाँ से आपके पास निकला डी ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो बटे एम बटे आर साइन अल्फा, सारा कितना हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ से मेरे पास ये इधर ये अल्फा तो कांस्टेंट है, आपको भी दिख रहा है अल्फा वर्टेक्स का एंगल है, ये देखो आप अल्फा क्या है, अल्फा मेरे पास कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है अल्फा बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, यानी साइन स्क्वायर अल्फा डिफरेंशिएशन से बाहर, ये होगा बेटा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये हो चुका तो मेरे पास निकल करके आया बेटा जो लास्ट इक्वेशन निकल करके आई थी, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ, मेरे पास पेपर है आप यहीं से समझ जाओगे। मेरे पास इक्वेशन थी अभी जो निकली हुई साइन स्क्वायर अल्फा डी ओवर डी टी और आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा बेटा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये भी डिवाइड हो जाएगा। ओके आगे की बात करते हैं। चलो मेरे पास जो इक्वेशन निकल करके आई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ध्यान से सुनना, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, मेरे पास ये निकल करके आया इंटीग्रेशन डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो डी टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, आपको भी बताया ख़त्म हो जाएगा। कितना निकलेगा यहाँ से भाई, आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, ओके दिस इज माई इक्वेशन नंबर, मैंने इसको स्टार्टिंग से ही मानते हुए आ रहा हूँ सिक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके मैं कहना चाह रहा हूँ अब इक्वेशन नंबर पाँच उठाओ और उनको आपस में घटा लो, क्लियर है ना। पहले जो जिन जिन की मेरे को ज़रूरत है वो इक्वेशन उठाता हूँ और आपको बताता हूँ मेरे को मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन देखो आपके पास क्या है, मेरे पास इक्वेशन नंबर वन ये है एम इंटू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी वन माइनस के एम जी कोस अल्फा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। ओके और इक्वेशन नंबर पाँच भी देखो, इक्वेशन नंबर पाँच की भी ज़रूरत है वो भी उठा लो। इक्वेशन नंबर पाँच क्या है मेरी, इक्वेशन नंबर पाँच है मेरे पास माइनस के एम माइनस के कैपिटल एम माइनस के कैपिटल एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस के टी वन। ये मेरी इक्वेशन नंबर कितनी है, पाँच, आपके सामने है ना, आ चुकी। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको साइड में कर देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठा लूँगा, यहाँ आ जाओ भाई। अब आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक के अंदर से पाँच को घटाने पर मैं कह रहा हूँ वन माइनस के फाइव, इक्वेशन वन के अंदर से मैं पाँच को घटा रहा हूँ, घटा दो भाई। जब इक्वेशन वन के अंदर से इसके अंदर से आप इसको घटाओगे, घटाता हूँ,
इसके अंदर से आप इसको घटाओ, देखो आप जी, ये तो माइनस है ना, प्लस हो जाएगा ये। देखो आप वन के अंदर से पाँच को घटाने पर इसके अंदर से इसको घटाया, पहले वाला रिजल्ट कितना निकला, पहले वाला तो हो जाएगा स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम, और ये दोनों में से कॉमन डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर तो निकल गया, ये क्लियर है ना। अब बराबर वाला तो बराबर वाले में से ही घटना है, माइनस के कितना निकल गया बेटा, माइनस के अंदर गुणा करी मैंने, ये हुआ स्मॉल एम आर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, तो ये निकल गया बराबर। इसके अंदर से इसको घटा रहा हूँ, ओके, जब इसके अंदर से इसको घटाऊँगा टी वन तो ख़त्म, ये टी वन तो ख़त्म ख़त्म हो चुका, बचेगा कितना, एक तो बचेगा माइनस के एम जी, माइनस के कितना भाई, माइनस के स्मॉल है बेटा ये, कभी आप इसको बड़ा समझ लो, माइनस के स्मॉल एम जी कोस अल्फा, और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल एम जी, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7, ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्या कुछ है, मैं एक बार इक्वेशन नंबर 7 फिर लिख लूँ ताकि आपका डाउट, आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 7, स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर साइन अल्फा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एम जी कोस अल्फा माइनस के कैपिटल एम जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। आगे की तरफ चलते हैं, सुनना बेटा, कहना चाह रहा है स्टडी मोशन के लिए मैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ फॉर स्टडी मोशन। क्वेश्चन देखो आप, फॉर स्टडी मोशन मैंने आपको बताया भी था कि स्टडी मोशन के लिए इधर लिखा भी था मैंने, यहाँ मेरे पास क्या होगा बेटा, ऑफ फॉर स्टडी मोशन ऑफ स्मॉल एम मेरे पास होगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 0, ओके, क्लियर। डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, और इस पोजीशन में मैंने आर इज इक्वल टू सपोज दैट मैंने डी ले लिया कॉन्स्टेंट स्टडी मोशन के लिए। भाई अगर ये आर कॉन्स्टेंट होगा तभी तो स्टडी मोशन का कंसेप्ट होगा, ओके। चलो आगे की तरफ चलते हैं, नाउ सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 ये है मेरे पास बेटा कितना है, आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, ए है ना। अब ये देखो बेटा, डी फाई ओवर डी टी की बात देखते हैं, इधर देखो आप, डी फाई ओवर डी टी तो एंगल के अंदर चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से सुनना, मैं इधर को कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारी की सारी चीज़ें खतरनाक सवाल है। ये देखो आप, डी फाई ओवर डी फाई तो ये है ना एंगल, आपको पता है फिजिक्स के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, डी फाई ओवर डी टी जो होती है वो होती है क्या, एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, और एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से, आप जानते हो ना, मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया, डी फाई ओवर डी टी मेरे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कितना, ओमेगा। तो मेरा इक्वेशन 6 क्या निकल जाएगा बेटा, आर को मैंने कितना पुट किया, डी, स्टडी मोशन का केस लेकर के चल रहा हूँ, आर इज इक्वल टू तो होएगा मेरे पास डी इंटू डी फाई ओवर डी टी मेरा कितना होएगा, ओमेगा, ओके। आर की वैल्यू ये हुआ स्क्वायर हो चुका, इज इक्वल टू कितना हुआ, ए हो चुका, याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 7 है इसके अंदर भी चेंज करता हूँ बेटा, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर मेरी 8 निकल गई, ओके। अब स्टडी मोशन का कंसेप्ट जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा इक्वेशन नंबर 7 में, मैं लिख भी रहा हूँ ये इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 में मैं क्या करूँगा भाई, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 0 है ना,
इक्वेशन 7 देखो क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी बेटा, स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम गुणा ज़ीरो माइनस के स्मॉल एम आर माइनस के कितना निकलेगा भाई, माइनस के स्मॉल एम आर की जगह क्या रख दिया मैंने डी, ये हुआ मेरे पास साइन अल्फा, डी फाई ओवर डी टी की जगह मेरे पास कितना है ओमेगा स्क्वायर है ना, देखो आप डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू मैंने कितनी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा होती है ना, इधर लिख भी रहा हूँ मैं डी फाई ओवर डी टी एंगुलर वेलोसिटी बराबर ओमेगा, ओके डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू डाली इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल एम जी कोस अल्फा और माइनस के कैपिटल एम जी, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ वो देखता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है भाई। इक्वेशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। ये देखो बेटा यहाँ से ये तो ज़ीरो हो चुका, ज़ीरो होने के बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी सारे प्लस, सारे प्लस होने का मतलब क्या निकला, यहाँ से देखो आप, ये निकला स्मॉल एम डी ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, सारा प्लस हो चुका, स्मॉल एम जी कोस अल्फा प्लस के कैपिटल एम जी, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, जी मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई मेरे पास, ये बचा एम कोस अल्फा प्लस के कैपिटल एम, कैपिटल एम, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 9, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत खतरनाक सवाल है यार, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, टाइम पीरियड जो होता है, ये फार्मूला आपका फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, टी इज इक्वल टू कितना होता है 2π/ओमेगा, ओके ओमेगा मैंने वैसे लिख दिया लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। नाउ